हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल द नॉलेज राइडर में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं टेक्निकल टॉपिक पर वीडियो, गवर्नमेंट न्यूज एंड स्कीम से रिलेटेड वीडियो और बहुत सारी अन्य जानकारियां जो जरूरी है आपके लिए जानना। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्डिनो यूएनओ की सीरियल यूआरट पिन के बारे में। तो पिन के बारे में डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपको वो समझना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो आज यहां पे आर्डिनो बोर्ड की 0 और 1 पिन के बारे में बात करनी है, क्योंकि ये पिन हमें हेल्प करती हैं सीरियल कम्युनिकेशन करवाने के लिए, जिसमें पिन नंबर 0 जो कि आरएक्स पिन है और पिन नंबर 1 जो कि TX पिन है। तो पिन नंबर 0 मींस RX पिन PC से डेटा को रिसीव करेगी आउटर साइड से, जब मैं कनेक्शन दूंगा तो PC से डेटा को रिसीव करने के काम आएगी। वहीं TX पिन का काम होगा कि PC के लिए डेटा को सेंड करना। और ये 0 और 1 पिन जो है वो USB की TX और RX पिन के साथ इंटरनली कनेक्ट होती हैं। और ये हम सभी पहले से जानते हैं कि USB पोर्ट का जो यूज है वो माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम लोड करने में ज़्यादा होता है। तो ये वहाँ पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं दोनों पिन। तो हम ये कह सकते हैं कि TX व RX पिन के यहाँ 2 इम्पोर्टेंट रोल हो जाएंगे। पहला रोल तो होगा कि माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम को लोड करवाना, और दूसरा रोल होगा कंपाइलेशन के दौरान जो भी डीबगिंग की इशू आते हैं उनको डीबगिंग मतलब सॉल्व करवाना इशू को, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में डीबगिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हेल्प करती है, उसी के थ्रू हम ये सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हमें टेम्परेचर सेंसर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर पर तो डेटा आ जाता है इजीली, बट बिना डीबगिंग फैसिलिटी के ये पता कर पाना पॉसिबल नहीं होता कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या रिसीव हुआ है। इसलिए ये TX व RX पिन सीरियल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीरियल कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम आज इसे बहुत बेसिक प्रोग्राम के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है वो पहले बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रोग्राम का बन के आता है, जिसमें 2 फंक्शन हैं, सेटअप और लूप। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सेटअप में जो हमें अगर कुछ पोर्ट फिक्स करवाने हैं या फिर अगर हमें कोई काम वन टाइम करना है, देन हम उस केस को सेटअप के अंदर प्लेस करते हैं। और अगर लूप के अंदर बात की जाए तो जो भी काम हमें अगर रिपीटिव मोड में कराना होगा तो हम लूप के अंदर रखेंगे। तो फिलहाल सीरियल कम्युनिकेशन को समझने के लिए कुछ हमारे पास में सीरियल के ही फंक्शन अवेलेबल हैं। लाइक सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ, मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा सीरियल बिगिन, क्योंकि अगर मुझे सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे सीरियल बिगिन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 9600 जो हमारी बॉड रेट है। बेसिकली इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, बट जो सपोर्टिव या फिर मैक्सिमम प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगी वो 9600 है। तो सवाल अब ये आता है कि ये बॉड रेट एक्चुअल में होती क्या है। तो ये डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड होती है, जिसमें हम नाप निकली करते 9600 bits per second। अगर हम इसे बोलें कि ये 9600 bits per second की स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो PC से माइक्रो कंट्रोलर के लिए हो या फिर माइक्रो कंट्रोलर से PC के लिए हो। तो आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है सीरियल डॉट बिगिन के साथ में। तो अब मुझे अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो मैं आता हूँ लूप के एंड पर, जहाँ मैं लिखूँगा सीरियल डॉट प्रिंट LM। तो यहाँ पर भी काफ़ी सवाल आते हैं कि ये अगर मैं प्रिंट लिखूँ तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट LM का क्या फर्क आ जाता है। एक्चुअली प्रिंट अगर मैं लिखूँगा तो मे बी वो हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट कराए लेकिन प्लेस करे, और प्रिंट LN का मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो ये नेक्स्ट लाइन के साथ में उसको स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ सपोज अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो मेरा स्ट्रिंग है जो कि यहाँ पर काम करेगी, और एडिट यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो हमारी इच्छा हो। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, उसे थोड़ा सा डिले फंक्शन की हेल्प से डिले प्रोवाइड करता हूँ, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी बाई डिफॉल्ट की मिली सेकंड होती है। तो अभी इसको हमें रन करा के देखना है। तो अभी मैंने इसमें कोई भी हार्डवेयर अलग से यूज नहीं किया, केवल आर्डिनो बोर्ड के अलावा
तो मैं क्या देखना चाह रहा हूँ बेसिकली कि सीरियल कम्युनिकेशन की पहली बात तो सेटअप हुआ है प्रॉपरली या फिर नहीं हुआ है। अगर वो सेटअप हुआ होगा तो ये हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा कितने डिले के साथ, और वो एक लूप में रिपीटिवली में चलता रहेगा क्योंकि हमने इसे लूप में लिखा हुआ है, तो वो हर एक सेकंड के बाद में रेगुलर बेसिस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो इसको आउटपुट देखने के लिए पहले इसको कंपाइल करा लेते हैं। कंपाइल में कुछ बोर्ड से रिलेटेड इश्यू बता रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ इसको। मैंने अभी यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट नहीं किया है तो वो एक इश्यू आई थिंक दिखा रहा है, मैं देख लेता हूँ। मैं यहाँ आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी इश्यू सॉल्व हो गया होगा, वेरीफाई कर चुका है। यहाँ देख पा रहे होंगे आर्डिनो यूएनओ लिखा गया है और इसने कंपाइल कर दिया है। अभी फिलहाल के लिए बेसिक प्रोग्राम हमारा ठीक है, और अभी इसे मुझे आउटपुट देखना है तो मुझे क्या करना होगा, अपने सीरियल मॉनिटर पर जाना होगा, जिसके दो वे हैं। पहला ये शॉर्टकट है सीरियल मॉनिटर के लिए, दूसरा अगर आप जाएं तो टूल के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सीरियल मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। दोनों में से आप कोई भी तरीका प्रीफर कर सकते हैं। तो ये मुझे अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ एक सेकंड के डिफरेंस में यहाँ प्रिंट होने लग गया कंटिन्यूसली। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था आउटपुट वैसा ही हमें मिला है, बट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अभी मैं इसकी बॉड रेट को चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग काफ़ी सारी रेंज हमें दी हुई है। तो मैं लाइक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ जब ये चीज़ मैं करूँगा तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब उसका रीज़न क्या है, रीज़न उसका बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो रेंज लिखी हुई है, मैं इसे दोबारा अपलोड कर लेता हूँ एक बार और टूल सेलेक्ट करके मैं अगेन सीरियल मॉनिटर में जाता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ अजीब सा मैसेज दिखा रहा है, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम में बॉड रेट दी हुई है वो है 9600, जबकि मैंने सीरियल मॉनिटर के ऊपर जो रेंज सेलेक्ट की है वो है 1,15,200। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, कई बार अगर ऐसा कोई इश्यू आता है तो आप ये जरूर चेक कर लें कि जो आपने प्रोग्राम में बॉड रेट की रेंज दी है क्या वही यहाँ पर सेलेक्ट है। तो मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये काम करूँगा तो सीरियल मॉनिटर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर प्रॉपर वे में मुझे आउटपुट मिलता रहेगा। ये सीरियल कम्युनिकेशन को समझने के लिए बेसिक प्रोग्राम था, लेकिन अगर हम 1 और 0 भेजना चाहते हैं सीरियल मॉनिटर की हेल्प से, या सिंपल कहें तो LED का जो हमने प्रोग्राम किया था लास्ट टाइम उसे हम ऑन या ऑफ कराना चाहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन की हेल्प से, सीरियल मॉनिटर की हेल्प से, तो एक प्रोग्राम और समझ लेते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या करना है हमें कि सीरियल मॉनिटर से 1 और 0 भेज के हमें चेक करना है। इसका मतलब अगेन हुआ कि डिजिटल इनपुट आउटपुट में से हमें कोई पिन लेनी पड़ेगी। अगर सपोज मैं अगेन वही LED का एग्जाम्पल ही समझूँ तो एक LED लगानी पड़ेगी जिसकी एक लैग किसी एक पिन को मैं यहाँ पर आसानी के लिए 30 नंबर पिन ले लूँगा और एक लैग ग्राउंड के लिए देनी पड़ेगी। अब मेन पर्पज़ इस प्रोग्राम में हमारा LED को ग्लो या कराना नहीं है, हमारा इसमें मेन पर्पज़ है कि सीरियल कम्युनिकेशन की हेल्प से इस तक मैसेज पहुँचाना कि कब इसको हाई या फिर लो मुझे करना है। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पर, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ लाइक LED का। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं LED ही लिख लेता हूँ उसको, और वो मैं 13 नंबर कर देता हूँ क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर 13 नंबर पिन को मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। और आगे क्या करते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बताया, और मैं उसकी बॉड रेट सेट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा कि जो 13 नंबर पिन मैंने यूज की है उसको मुझे आउटपुट बनाना होगा। तो मुझे क्या लिखना होगा, मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है LED, तो LED यूज करना है और वहां उसे आउटपुट बना देना है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो 13 नंबर पिन है LED जो हमने LED के वेरिएबल के अंदर डलवाई थी उसको मैंने आउटपुट बना दिया, और अभी मैं इससे बाहर आ जाता हूँ और लूप के अंदर हम लोग चलते हैं। तो लूप में हमें सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी कि C
सीरियल मॉनिटर से कुछ एक्चुअल में सेंस हो भी रहा या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर कमांड जो यूज में आती है वो है सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल डॉट अवेलेबल, और उसके बाद में ये हम चेक करेंगे इसको कि क्या ये जीरो से बड़ा है या फिर नहीं। तो मैं क्या करता हूँ इसको इस कंडीशन में डाल देता हूँ, मीन्स एक कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ पर सीरियल मॉनिटर से कुछ सेंस हो रहा है तो मुझे आगे कुछ काम करना है, और वो काम क्या करना है वो अब हम समझ लेते हैं। वो काम मुझे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ऊपर और डिक्लेयर कर लेता हूँ ताकि वो इजी हो जाए, इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ जीरो से, और इसको मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। और मैं क्या करूंगा कि सीरियल कम्युनिकेशन से जो वैल्यू आ रही है उसको मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे यूज करनी होगी सीरियल डॉट रीड, ये जो फंक्शन है मुझे यूज करना होगा, और इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा कि सीरियल मॉनिटर से अगर कुछ डेटा मुझे रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर मुझे ये वन रिटर्न करेगा जो मैं वैल्यू के अंदर स्टोर करवा दूंगा। और यहाँ पर दे देते हैं कुछ डिले जो मैं अभी बहुत कम रख रहा हूँ। रीजन क्या है कि माइक्रो कर, अभी मैंने आपको दिखाया था कि हम 1000 मिली सेकेंड रखते थे या 500 रखते थे, यहाँ मैंने 5 रखा है क्योंकि एक्चुअल में हम डिले देना नहीं चाह रहे हैं, बट माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें रेस्पॉन्स उतना प्रॉपरली नहीं दे पाएगा, तो हमने बहुत कम यहाँ पर डिले दे दिया है। आगे क्या करते हैं, आगे अब मुझे वैल्यू रिसीव हो गई तो उस वैल्यू के बेस पे इस 30 नंबर पिन को एक्टिव करवाना है या फिर डीएक्टिवेट करवाना है। एक्टिवेट का सेंस हुआ हाई या फिर लो करवाना है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ चेक करता हूँ कि जो वैल्यू है हमारी वो वैल्यू, अगर ये सिंगल इन्वर्टेड में आपको लिखना है तभी ये इसको वैल्यू रीड करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा होता है उस केस में मैं करूँगा डिजिटल राइट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कमांड समझाई थी डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट में क्या करना है एलईडी को हाई कर देना है। और अगर आप चाहो तो यहाँ थोड़ा डिले दे सकते हो, अदरवाइज सीरियल जिससे हमें दिखता रहे सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर आपको जो भी मैसेज डालना है, लाइक अगर मुझे एलईडी मैं बंद कर रहा हूँ तो एलईडी ऑब्वियसली ऑन होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एलईडी इज ऑन। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बाहर आके दूसरी कंडीशन लिख देनी है सीरियल डॉट वैल्यू है जो, वो अगर इक्वल टू वो बराबर है जीरो के, देन उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है उस केस में यहाँ पर एलईडी को ऑफ करवा देना। तो मैं क्या करूँगा डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट के बाद में उस एलईडी को मैं करवा देता हूँ ऑफ। अब क्या है कि यहाँ पर अगेन अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना है सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर मैं क्या मैसेज प्रिंट करा देता हूँ एलईडी स्विच ऑफ। तो ये मैंने अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस वाले इफ के लिए, और अब जो हमने स्टार्टिंग में जो इफ स्टार्ट किया था उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, हाँ कहीं भी कर सकते हैं लास्ट में। अब क्या करना है कि मैं इसको एक बार पहले कंपाइल करा के देखता हूँ, कुछ यहाँ पर इश्यू आया है ब्रैकेट के रिलेटेड। तो अभी यहाँ मैंने चेक किया, यहाँ हमने बहुत बेसिक सी जो गलती की थी कि लास्ट में यहाँ हमने इसकी क्लोजिंग नहीं की थी, एक्चुअली हमने दो कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिए थे। तो एक तो आप देखो यहाँ से कि इफ कंडीशन की यहाँ से स्टार्ट करने के बाद दोनों का एक इस वाले इफ के लिए हमने यूज किया, बट यहाँ पे जो एक था उसके लिए हमने कर दिया एक ब्रैकेट, उसके लिए हम यूज करना भूल गए, तो उसकी वजह से थोड़ा इश्यू हुआ। तो फिलहाल वो रिजॉल्व कर लिया है, तो अब मैं इसको कंपाइल करा लेता हूँ एक बार और अपलोड कर देता हूँ बोर्ड के ऊपर। और अब एक बार चेक कर लेते हैं जो हमारा सीरियल मॉनिटर है उसके थ्रू, यहाँ मैं वन टाइप करता हूँ, और आपको रन कराने के लिए या कुछ आर्डिनो आईडी के अंदर इन पुराने जो यूज़ करते हैं मैं यहाँ 10 का ऑप्शन आता था, बट यहाँ पे अगर तो कंट्रोल प्लस एंटर कर दोगे तो अब देखो यहाँ वन
भेजा है मैंने, इसका मतलब उसने LED जो ऑन वाली कंडीशन को चेक किया और मुझे यहाँ पर हाई करके दे दिया और LED फोन का मैं किया, मतलब इस समय 13 नंबर से इस पर सप्लाई आ रही है। अगर सेम काम मैं करूँ कि मैं यहाँ पर दोबारा से मैसेज ट्राई करता हूँ जीरो के लिए, कंट्रोल प्लस एंटर कि यहाँ पर इसने जीरो के लिए LED ऑफ, तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है जिसमें मैंने कोई भी एडिशनल कॉम्पोनेंट यूज नहीं किए। इसका पर्पज ये था कि यहाँ पर केवल सीरियल कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझना था हम लोगों को। तो आई होप वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि रिसीवर ट्रांसमीटर किस तरीके से काम करते हैं, हमें कौन कौन सी बेसिक जो हमारे फंक्शन है सीरियल डॉट रीड सीरियल डॉट कम्युनिकेबल वो क्यों यूज किए जा रहे हैं। आप लोग भी एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ताकि इसके और भी कई कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ।